इसके हल्के किसी ना पॉइंट पीछे किए होते हैं, इतना याद रखना। इससे आपकी जीरो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, पर लेकिन जो हल्के लगेगी ना वो आपको लाइट करके इसको हल्का सा पॉइंट पे रख लेना, ठीक है। पॉइंट बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, और अपने एडजस्टमेंट करके आप लोगों ने काम करना है। देखो कंघी को ऐसे उठाना है, अगर आपने स्लॉप बनाना है कंघी को ऐसे उठाना है, इसको हम लोग बोलते हैं टेपर, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे साथ में लगाएंगे, सोहला रिवान क्या कहते हैं आपका साहिल वर्ग दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्लॉप हेयर कट कैसे करते हैं। जो भाई कहते हैं स्लॉप हेयर कट कैसे किया जाता है, भाई आज ध्यान से देखना, आज मैं पूरा प्रॉपर डिटेल में समझाने वाला हूँ। इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऊपर जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। चलो स्टार्ट गाइस। देखो स्लॉप हेयर कट करने के लिए आपको नीचे जीरो नंबर लगाना होगा। जीरो नंबर ट्रिमर कितना लगाना, देखो जब ज्यादा ओपन चढ़ाया जाता है हल्का नीचे रखा जाता है, क्योंकि हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे हेयर कट, क्योंकि जब भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हेयर कट करते हैं गाइस हमारा हेयर कट यहाँ पे चढ़ जाता है, इतना थोड़ा ध्यान रखना। और जितना मैं लगा रहा हूँ ट्रिमर को ऐसे आप लोगों ने गवा लेना, कान को ऐसे प्रेस करना ताकि कान पे हमारी ट्रिमर वगैरह ना लगे, ठीक है। ऐसे लगा लिया, ये भी है ना प्रॉपर तरीके से आपकी गुलाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ना इधर से कट लगा लिया ऊपर से लगा लिया इधर से लगा लिया ऊपर से लगा लिया, पता क्या होता है मिक्सिंग अच्छी तरह से बैठती नहीं है, याद रखना, ठीक है। ऐसे कुछ आपको जीरो लगा देना है, और पिछली वाली साइड पे भी गाइस आप लोग को ऐसे ही लगाना। देखो जितना मैं लगा रहा हूँ इसको ज़्यादा ओपन करना, हल्का डाउन रखना है, और इसके साथ में आप लोगों ने ऐसे मिला देना, पूरी प्रॉपर गुलाई हमारी देखेगी आपको, ठीक है। और कान को ऐसे पकड़ के इसके हिसाब से आप लोग को ऐसे गुलाई देना, ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ। देखो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सफाई देनी है, बीच में बाल आपके बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे को पता है कई बंदे छोड़ देते हैं बाल, सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। थोड़ा अच्छी तरह से काम करो। अब देखो मैं पॉइंट लूंगा, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से मैं चलूंगा, नीचे जीरो नंबर लगाया ऊपर मैं पॉइंट लगाऊंगा, फिंगर की मदद से मैं देखो क्या कर रहा हूं। नीचे रखना, ठीक है, कस्टमर को ऐसे नीचे करवाना, और उसके बाद आपकी ना एक लाइन दिखेगी, लाइन भी देख लो हल्की सी दिखेगी, उसको रिमूव कैसे करना है। अच्छा मुझे ना एक बात बता देना भाई, कहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी स्टेट का नाम या सिटी का नाम कोई भी हो, ठीक है, मुझे बताना जरूर। देखो गाइस मैंने ना नीचे जीरो नंबर लगाया, ऊपर मैंने फाइव पॉइंट, इसको हम लोग फाइव पॉइंट बोलते हैं, जिनकी पांच पॉइंट, ठीक है, पांच पॉइंट भी बोल देते हैं। और नीचे जो लाइन है भाई उसको कैसे रिमूव करेंगे, बहुत भाइयों की डाउट है कि यार जीरो मिक्सिंग ही नहीं होती। एक भाई का मैसेज आया आज मेरे को कि भाई दो साल हो गया भाई मेरे को कुछ नहीं आता, कि भाई मैं मेरा दिमाग खराब हो गया, पर लेकिन मेरे को दिमाग खराब हो रहा पर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं करूँ तो करूँ क्या यार, साहिल भाई बताओ कोई सलूशन। भाई देखो सबसे बड़ी बात तो ना फोकस काम पे होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। फोकस होगी तभी आप सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। काम पे फोकस करो, उसके बाद जाकर के बात करना भाई, ठीक है। अब देखो इसको हल्का सा पॉइंट पे रख लेना, ठीक है, पॉइंट बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, और अपने एडजस्टमेंट करके आप लोगों ने काम करना है। देखो आपके सामने देखो मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है मेरी, थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो, और ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं, याद रखना भाई। ऐसे कुछ आपको मिक्सिंग करनी है, ऐसे कुछ आपको मिक्सिंग करनी है। देखो आपके सामने ही है, मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। उसके बाद ना पॉटर लगा करके देखना, हल्की सी लाइन आपकी और नजर आएगी, क्योंकि नीचे हम लोगों ने प्रॉपर जीरो पूरा ब्रीक वाला जीरो लगा रखा है मैंने, ठीक है, एक लाइन दिखेगी, क्योंकि ये वाले होते हैं ना जो ये वाले ट्रिमर आपके पास अगर होगी, अगर कोई भी ट्रिमर होती है विजर की होती है, ठीक है, बड़ी से बड़ी कंपनी भी की होती है, इसके हल्के से ना पॉइंट पीछे किए होते हैं, इतना याद रखना। इससे आपकी जीरो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, पर लेकिन जो हल्के लगेगी ना वो आपको लाइट करके दिखा देगी। उसके बाद जो लाइन होती है ना वो बाद में हमारे को रिमूव कैसे करने पड़ते हैं, जो छोटी वाली ट्रिमर हम लोगों ने नीचे जीरो नंबर लगाई है ना उसको हल्का टेपर में रख के
करना पड़ता है। और मैं आपको दिखाता हूँ भी कैसे करते हैं। अब गाइस देखो हल्की सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, देखो वही वाली ट्रिमर है मेरे पास जो मैंने नीचे जीरो नंबर लगाई थी भाई। इसको हम लोग रिमूव कैसे करना है, रिमूव भी बड़े ध्यान से करना है, नहीं तो बीच में कट पड़ सकता है। ठीक है, हल्का हल्का आपको ऐसे टेपर में चलाना है। ठीक है, टेपर में चलाओगे तभी आपकी लाइन जाएगी, वरना नहीं जाएगी। हल्का हल्का लगा देना, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्की हल्की रिमूव ही करनी है हमारे को लाइन। देखो आप आगे इस वाली साइड पे देखो हल्की हल्की लग रही है। ऐसे कुछ आपको मिक्सिंग कर देनी है। अब गाइस इसमें हम लोग बनाएंगे भाई स्लॉप, स्लॉप हेयर कट कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा मेरे को मैसेज आते हैं, पिछली वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, 4 लाख+ व्यू गए हैं उसके ऊपर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने प्रॉपर देखी है और कई बंदे सीख भी चुके हैं। अगर कमेंट बॉक्स में जाकर के देखना कितने बंदे सीख चुके हैं भाई वीडियो से, आप भी सीख सकते हो। अब देखो इसको हम लोग बनाएंगे भाई स्लॉप कैसे बनाते हैं, चलो आपको बताते हैं। अब गाइस देखो स्लॉप बनाने के लिए आपके पास ब्लैक वाला कंघा होना चाहिए, अगर आपको नहीं मिलता भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर आकर के ठीक है फॉलो करना, फॉलो करके मुझे मैसेज करना, आपको कंघा मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग फोर हेड पे हल्का तीर लगाएंगे, जेवल जो चीज तीर होती है ना इसके हिसाब से हमारे को रखना पड़ता है, मैं करूँगा इसके हिसाब से रखूँगा, हल्का सा मैं ऐसे लगाऊंगा यानी कि फोर हेड ज़्यादा पीछे नहीं करूँगा, हल्का आगे रखूँगा, ये तो बेकार लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ना ध्यान से मैं कैमरा को मैंने को बोलूंगा थोड़ा सा ध्यान से दिखाना, और जे वाली चीज हमारे को दिखनी चाहिए। अब देखो कंघे को ऐसे उठाना है, अगर आपने स्लॉप बनाना है कंघे को ऐसे उठाना है, इसको हम लोग बोलते हैं टेपर। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे साथ में लगाएंगे तो आपका स्लॉप नहीं बनेगा। ठीक है, वो साथ में लग जाएगा, लाइट हो जाएगा, हल्का हमारे को डार्क रखना होता है। डार्क कैसे रखना, जहां से मैंने उठाया जितने मेरे फालतू बाल होंगे उसको मैं कट करूंगा। कट कैसे करूंगा, ऐसे मैं ट्रिमर लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे मिक्सिंग होती जाएगी। अब देखो ठीक है, प्रॉपर मैं यानी कि ऐसे स्लॉप बनाऊंगा, जितने मेरे फालतू बाल होंगे ना वो सारे गाइस निकल जाएंगे। उसके बाद हम हमारे को सफाई देनी है, सी के बीच में ऐसे सफाई देनी है। ऐसे कुछ आपको स्लॉप बनाना, देखो आप देख सकते हो, देखो ऐसे कुछ आपको स्लॉप बनाना। ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करो और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और अगर हार मानोगे तो भाई फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, है कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल साथ में करो, वीडियो से आपको ना जानकारी मिलेगी गाइस। तो देखो हल्के हल्के दिख रहा है, उसके बाद हम लोग बाद में इसको सेटिंग कर देंगे, पहले मैं इसको सेटिंग कर देता हूँ। एक पॉइंट फाइव एम वाला कंघा, 1.5 mm वाला कंघा आपको मार्केट से मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप पॉइंट के हिसाब से भी इसको मिक्सिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं बाद में इसको हल्का हल्का मैं सफाई दूंगा, वो मिक्सिंग इसके साथ ही होगी, वरना उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी किसी और के साथ। अब देखो फोर हेड दोनों साइड पे आप लोगों ने बरोबर रखना है, बरोबर रखने के बाद ऐसे कुछ आपको कट देना है। ठीक है, कटे बड़े ध्यान से देना है और ऊपर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, दोनों बरोबर आपको लेकर के चलना है बस इतना। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा मैं और निकालूंगा। अब देखो ऐसे कुछ बस इतना देख लेना है, क्योंकि अगर आप कंघे का बैलेंस बना करके चलोगे ना तो भाई बा कमाल आपका हेयर कट होगा। देखो हल्का हल्का आपको लग रहा ना भाई, इसको मैं आधे नंबर पे मिक्सिंग कर दूंगा, इससे मेरी मिक्सिंग हो जाएगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगती है बस लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी वीडियो बहुत कम मिलती है। ठीक है, और लाइक कर दिया करो यार। देखो कभी भी आप मिक्सिंग करोगे तो भाई ऊपर ऊपर को जाना है, बीच में लगाना, अगर बीच में लगाएंगे हमारा कट पड़ता है, क्योंकि मिक्सिंग होगी नहीं तो भाई आपके बाल खराब ही होंगे। ठीक है, देखो अगर आप लोगों ने ऊपर वाली साइड पर जाना है आधा नंबर लगाना। ठीक है, देखो मेरे पास ये मैंने मंगवाया था, पर आप भी ऐसे मंगवा सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। अब देखो ये सारे मेरे मिक्सिंग करने वाले हैं, मैं ऐसे मिक्सिंग करूंगा, नीचे वाले भी आपको मिक्सिंग करने पड़ेंगे, कैसे करने हैं।
पांच पॉइंट मैंने दाब लिया, अगर पांच पॉइंट पे बात नहीं बनती हल्का सा उसको कम कर लो। जहां से लग रहा होगा कि भाई यहां पर मिक्सिंग नहीं हुई उसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्सिंग करना। लो गाइस ऐसे कुछ आपको मिक्सिंग करना। अब हम लगाएंगे ब्लेड ऊपर से हल्का हम लोग छोटा कर देंगे। ऐसे कुछ गाइस आपको ब्लेड लगाना है, ठीक है। ब्लेड भी बड़े ध्यान से लगाना, फोर हेड पे ध्यान से लगाना। जितना भी हमारे को ट्रिमर लगाया होगा ना उतना ही गाइस आप लोग को ब्लेड यूज करना। देखो फालतू गाइस आपके बाल ऐसे आगे आते होंगे, कस्टमर को पूछ के गाइस आप लोगों ने आगे बाल उठा देने हैं, अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं करनी हमारे को। ऐसे कुछ आपको उसकी धार बनानी होती है, जो बंदे कहते हैं कि भाई ये तीर कैसे बनाते कैसे नहीं बनाते, पूरी प्रॉपर आपको ना ऐसे धार बनानी होती है। बाकी कोई बात नहीं मैं आगे बता दूंगा इसको कैसे बनाते कैसे नहीं, पहले आपको ये रिकॉर्ड सिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इस वाली साइड पे भी गाइस सेम चीज आप लोगों ने ऐसे ही करनी है। ऊपर वाले बाल जब भी आप कट करोगे ना तो भाई पानी मारना जरूरी बहुत है, क्योंकि डस्ट होती है आपका कंघा बिल्कुल भी चलेगा नहीं। जो भाई कहते हैं कि भाई फिंगर में लेकर बाल कैसे कट करते हैं, उसमें क्या होता है आपके कंघा आपका बिल्कुल भी चलेगा नहीं, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि डस्ट बहुत होती है। अब देखो मैं झाड़ रहा हूँ और मेरे को पता लग ही रहा है क्योंकि डस्ट है। अब देखो आपके सामने है ना, अब इसको कट कैसे करना है भाई, देखो हल्का हल्का आपको ऐसे लेना है। मान लो मैं इतने कट करना चाहता हूँ, मैं एक लेयर बना लेता हूँ, ठीक है इसकी, उसके बरोबरी में जाऊँगा। ऐसे कुछ आपको कट करने हैं और इसको भी कट करने हैं। ये वाला मैंने कट कर लिया और फालतू बाल आपके दिख जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप लेयर बाय लेयर काटना चाहते हो ना, ठीक है, सेक्शन बनाना इसके और आपको इसका पता लग जाएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे ईजी हो जाएगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है ना, ऐसे सेक्शन बना करके निकाल लो और ऐसे कट करते जाओ, आपका बहुत अच्छा हेयर कट होगा, ठीक है। हाँ देखो मान लो मैंने इतने काट लिए, इजी तरीका सबसे, और पीछे वाले आपको ऐसे हल्के हल्के कट करने हैं, जो लंबी लेंथ होगी इसको आप लोगों ने काट देना है। मान लो जी वाली मेरी गाइस लेयर बन चुकी है, ठीक है, वीडियो को छोड़ना मत, ध्यान से देखना। अब देखो ये बन चुकी है मेरी लेयर, ठीक है, इसके बीच में मैं एक और लेयर निकालूंगा। ठीक है गाइस लेयर निकाली है मैंने, अब देखो आधे बाल मैं इस बार ले लूंगा, इसको लेकर के मैं चलूंगा। कैसे चलना है, अब देखो इसको ले लेके ऐसे आप लोग को बाल कट करने हैं और जो बड़े होंगे आपको ऐसे कट करने हैं। देखो बड़े बाल आपके बीच में आ जाएंगे, अब देखो जे वाली लेंथ मेरी कट चुकी है, ठीक है। अब मैं आ गया इस वाली साइड पे, पीछे वाले मैंने कट किए थे वो आपको नीचे दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा मैन को बोलूँगा जेवल चीज दिखाओ, और जेवल चीज देखो और जेवल चीज देखो, ठीक है। और नीचे मैं लगाऊंगा और ऊपर मैं ऐसे कट करूँगा, और जेवल चीज भी है ऐसे कुछ आपको कट करनी है। आपके बिल्कुल भी बड़े छोटे बाल दिखेंगे नहीं यार, ऐसे कट करके देखना। अब देखो मैंने काटे थे इधर आ गए, तो बड़े वाले बाल इधर आ गए, मैं उसको ऐसे कट करूँगा, बड़े आ गए उसको मैं कट कर दूँगा, ठीक है। कट करने के बाद उसके बाद पानी मार करके फिर बालों को झाड़ना है, ठीक है। ऐसे कुछ आपको बालों को झाड़ लेना है, उसके बाद हमारे को फिर चेक करना है, देखो ठीक है भाई। देखो गैस आपके बिल्कुल भी बड़े बाल नहीं। लो जी गैस आप देख सकते हो हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। ऐसे कुछ आपको स्लॉप हेयर कट करना होता है यार, बहुत इजी है, प्रैक्टिकल करके देखना उसके बाद फिर बताना मुझे, ठीक है। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल पे पहली बार आ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऊपर जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे। अगर और वीडियो देखना चाहते हैं आई बटन के ऊपर सारी वीडियो मिल जाएगी, शेविंग कैसे करते हैं, सिंपल हेयर कट कैसे करते हैं, दाढ़ी सेटिंग कैसे करते हैं, तरह तरह की यार वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, पूरा डिटेल में ऐसे ही मैं समझाता हूँ। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर कोई बात करना चाहता है इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इसी तरीके से गाइस मेरे से बात कर सकते हैं। अगली बार वीडियो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।